स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले ऑनर के आए हुए नए लैपटॉप के बारे। जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों ने मेरे से पूछा था कि लैपटॉप्स कोई नया आ रहा है तो जरूर बताना। तो मेरे हिसाब से गाइस ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और बात करें कुछ इसके स्पेसिफिकेशन की, बट उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, इसमें कुछ ऐसा है जो आपको बाकी किसी लैपटॉप्स में जल्दी देखने को नहीं मिलता होगा। तो बात करते अगर हम इसी मैजिक बुक 15 के बारे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है ऑनर की तरफ से जो आने वाला लैपटॉप वो होगा दोस्तों 15.6 इंच का। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले साइज जो होगी 15.6 इंच की होगी। और जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, आपको यहाँ पे बेजल्स काफ़ी पतले देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे, फ्रंट कैमरा नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बट इसमें है वो कहाँ हम बात करेंगे उसके बारे। और यहाँ पे अगर हम पहले स्क्रीन की बात करें तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल, 141 PPI LED स्क्रीन होगी दोस्तों। फुल HD IPS LED स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। वहीं गाइस परफॉर्मेंस की बात करें, प्रोसेसर काफ़ी बेहतरीन है। AMD क्वाड कोर रीजन 5 का प्रोसेसर है दोस्तों। 2.1 GHz की क्लॉक स्पीड है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आने वाले सभी में आपको देखने को मिल जाती है। वहीं ग्राफिक प्रोसेसर दोस्तों AMD RX Vega 10 का है। काफ़ी हद तक दोस्तों सही है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आने के लिए ग्राफिक जो दिया गया है, ग्राफिक्स कार्ड इसका बहुत ही बेहतरीन है। वहीं गाइस रैम की बात करें, 8GB का रैम आपको देखने को मिल जाता है। DDR4 पे दोस्तों रैम टाइप आपको देखने को मिलेगा। 2100 MHz की आपको रैम स्पीड देखने को मिल जाएगी। वहीं गाइस सबसे अच्छी चीज यहाँ पे SSD कैपेसिटी 512GB की दी गई है। जी हाँ दोस्तों, स्टोरेज में जो SSD मिल जाती है वहाँ टेराबाइट्स में दोस्तों ये काफी बेहतरीन है। यहाँ पे आपको जो आप पास करते हैं किसी लैपटॉप से किसी भी फाइल्स को कहीं पे भी, SSD आपको हेल्प करता है थोड़ा फास्टर शेयर आपका जो करना चाहते हैं आप, वो आपको फास्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं गाइस इसी प्राइस रेंज में आपको बैकलाइट कीबोर्ड टच पैड दिया गया, जैसे कि मैकबुक में आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे टच स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफी अच्छी प्राइस रेंज है, पर टच स्क्रीन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इसी जिक बुक में दोस्तों। जब अब मैं मेन हाईलाइट की बात करूं अगर, तो यहाँ पे जो आपको कैमरा देखने को मिल जाता है कि जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है, जिसके हेल्प से आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह या फिर मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, वो आपको गाइज मिलता है कीबोर्ड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा डिजाइन किया गया आ रहा है कि कोई लैपटॉप जहाँ पे दोस्तों आपको कीबोर्ड के ऊपर मिलता है कैमरा, यानी कि आपका पॉपअप वेबकैम का आपको ऑप्शन मिल जाता है जब आप वहाँ पे कैमरा का सेटअप करेंगे या कैमरा को यूज़ करेंगे, तो वो पॉपअप जैसा हम बात करते आए हैं अपने चैनल पे, जो पॉपअप का मज़ा ही कुछ और है, जैसे अंदर से कैमरा वगैरह निकलता है 7 Pro 1 Plus जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ पे भी पॉपअप्स आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कुछ ऐसा पॉपअप वेबकैम आपको देखने को मिल जाएगा जो मेरे हिसाब से पहली बार किसी लैपटॉप में दिया गया है, और ये काफ़ी आधुनिक और बेहतरीन चीज़ आपको देखने को मिल जा रही है इसी लैपटॉप में। अब वहीं गाइस सबसे मेन हाईलाइट एक और है, 65W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट है। आप अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन को चार्ज कर ही सकते हैं। यहाँ पे गाइस 30 मिनट में 53% चार्ज आपका लैपटॉप हो जाता है। तो काफ़ी हद तक दोस्तों 1 घंटा या फिर आपका 1 घंटे 10 मिनट में आपका फुल लैपटॉप चार्ज हो जाएगा, विच इज़ वेरी फास्ट एंड वेरी गुड। इस कुछ ऐसा लैपटॉप है, और मुझे जो इसकी स्क्रीन है वो अल्ट्रा थिन जो आपको देखने को मिल रही है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही नई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो वेबकैम आपको पॉपअप में मिल रहा है ये वैल्यू फॉर मनी हो जाता है दोस्तों फिर। अब यहाँ पे कुछ हम लोग पोर्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, जैसा कि आपको हर लैपटॉप में देखने को मिलता है गाइस, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मल्टीफंक्शन टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड USB 2.0 का पोर्ट है, और साथ ही साथ 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगी। अब गाइस साथ ही साथ यहाँ पे आपको बॉडी में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉर लॉक और अपना सेफ्टी के लिए। तो गाइस ये था कुछ आपके सामने ऑनर का मैजिक बुक 15। अपने रिव्यूज नीचे कमेंट में बताइए कि आपको लैपटॉप कैसा लगा। और अब मेरी रिव्यू की मैं बात करूं कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, कुछ नए फीचर्स के साथ आ रहा है ऑब्वियसली, और इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी दी गई है। 42,000 ऐसे प्राइस है, बट ये जब सेल में जाएगा तो इसकी प्राइसिंग आपको 39,000 समथिंग यानी कि 40,000 में देखने को मिल जाएगी। तो 40,000 की रेंज में अगर आप कोई ऑफिशियल वर्क के लिए लैपटॉप खोज रहे हैं, तो मेरे हिसाब से
ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट रहेगा। थोड़ा सा कुछ नए इसमें फीचर्स हैं और आपको जैसा कि हर लैपटॉप में मिलता है विंडोज 10 का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। प्लस पॉइंट यहाँ पे जो आपको SSD का 512 GB का मिल रहा है वो काफी अच्छा है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।